बालों को तेजी से बढ़ाने के घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। महिलाओं और लड़कियों को अपने बालों के प्रति बहुत ही लगाव होता है। हर महिलाओं और लड़कियों की चाहत होती है कि उनके लंबे और घने बाल हों। लंबे और घने बाल देखने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। लंबे बालों से ना सिर्फ आप खूबसूरत लगती हैं, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। लंबे बाल आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, ये आपकी खूबसूरती को और बढ़ाते भी हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई लड़कियों और महिलाओं के लिए लंबे बाल सिर्फ एक ख्वाहिश ही बनकर रह जाते हैं। लेकिन कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही आसान टिप्स जो बालों के लिए बेहद ही लाभकारी हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। पहला उपाय, बालों को लंबा करने का तरीका सरसों के तेल के द्वारा। सबसे पहले आप आवश्यकता अनुसार सरसों का तेल लें और रात को सोने से पहले बालों में सरसों के तेल से मालिश करें। अगली सुबह बाल को शैम्पू कर अच्छे से धो लें। आपको बता दें कि सरसों का तेल का उपयोग कई सालों से घरेलू उपचार के तौर पर किया जा रहा है। इसे स्कैल्प और बालों के लिए लाभकारी भी माना जाता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3 व 6 के साथ साथ एंटी फंगल और एंटी बैक्टेरियल गुण भी पाए जाते हैं। ये गुण डैंड्रफ की समस्या से राहत दिलाकर स्कैल्प को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके साथ ही स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए सरसों का तेल का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए बालों को लंबा करने के उपाय या बाल बढ़ाने के नुस्खे के तौर पर यह अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा उपाय, एक कटे हुए प्याज या ऑनियन को ऑनियन ब्रोथ बनाने के लिए 10 से 15 मिनट तक पानी में उबालें। इसे कुछ देर तक ठंडा होने दें और अपने सिर और स्कैल्प पर इसे अच्छे से लगाएं। प्याज आपको ऐसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स देगा जो बालों में शाइन लाएंगे और साथ ही उन्हें बढ़ाने में भी बहुत मदद करेंगे। इसे ठंडे पानी से धो लें और बालों को हवा में ही सूखने दें। और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे पूरी तरह से साफ कर लेते हैं तो आपके बालों में कोई भी बदबू नहीं छोड़ेगा। तीसरा उपाय, अंडा मास्क भी बाल बढ़ाने में मदद करता है। यदि आपके कंधे तक आने से पहले आपके बाल टूट जा रहे हैं तो अंडे का मास्क आपका उद्धारकर्ता हो सकता है। अंडों में लेसिटेट और प्रोटीन होते हैं जो आपके बालों को मजबूत करते हैं, पोषण करते हैं और चंगा भी करते हैं। इसके अलावा उनका उच्च सल्फर सामग्री आपके रूसी की समस्या को हटाने में भी मदद करती है। अंडा मास्क बनाने के लिए 2 अंडे को 2 चम्मच ऑलिव के तेल के साथ मिलाएं। आप मिश्रण को पतला करने के लिए इसमें आधा कप पानी भी डाल सकती हैं। अंडा मास्क सीधे सूखे ब्रश किए हुए बाल पर लगाएं और इसे 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर बालों को शैम्पू से धो लें। मजबूत बाल पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकती हैं। चौथा उपाय, सबसे पहले 2 चम्मच मेथी के दानों को रात भर भिगो कर रखें और सुबह उठकर उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर आपको इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर आप इस पेस्ट को अपने बालों और जड़ों में अच्छी तरह से लगा लीजिए और लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही लगा रहने दीजिए। फिर इसके 30 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो लीजिए। मेथी दानों में वे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं, और नारियल का तेल बालों को झड़ने से रोकता है। पाँचवा उपाय, बाल बढ़ाने के नुस्खे में दही भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। दही में एक तरह का एसिड पाया जाता है जो बालों के जड़ों में पाए जाने वाले मैल को साफ करता है। इसके साथ साथ जो लोग बालों के संक्रमण से परेशान हैं वो अपने बालों में दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दही को अपने बालों के जड़ों तक अच्छे से लगा लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके बालों के जड़ों तक दही ज़रूर पहुँचे।
फिर आप अपने बालों को बांध सकती हैं और इसके आधे घंटे के बाद आप बालों को शैम्पू से धो लें। इस प्रक्रिया को आपको सप्ताह में एक बार करना होगा और ऐसा करने से आपके बालों में मजबूती और चमक आएगी। धन्यवाद।